हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बेल्ट बनाने वाली हूँ जो कि डोरी लगा के जो हम फ्रोके बनाते हैं उनके पीछे बंधने वाला, तो उसके साथ हम अटैच नहीं करेंगे पर इसको बांधने वाला बेल्ट बनाएंगे। तो आजकल ये काफ़ी चल रहा है, तो इसके लिए मैंने ये देखिए ये डबल पट्टी करके और इसको स्टिच कर लिया है। तो ये सिंपल तरीका, आप चाहे तो 3 इंच का या 4 इंच का कपड़ा लेके बिल्कुल सीधा और आपके कमर का नाप लेके और इस तरह से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग डाल के और डोरी डाल ली। डोरी बनाना भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि डोरी कैसे बनेगी। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल सीधी पट्टी लेके और उसको गुम सिलाई अंदर लगा के लगाएंगे। और ये मैंने बहुत ही प्यारी सी लेस ली है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसकी अगर लेस चौड़ी है तो पट्टी चौड़ी भी रख सकते हैं या पतली रख सकते हैं। बस यही है कि इसको हमें पहले पट्टी को हमारी कमर के अकॉर्डिंग तैयार करना है और उसके ऊपर इस तरह की लेस लगाएंगे। और लेस लगाने से पहले या बाद में आप डोरी जब लगाना चाहें लगा सकते हैं। और डोरी के अलावा आप उसकी जगह इलास्टिक भी लगा सकते हैं जो सीधा पहना जाएगा, उसमें हमें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी लेस लग चुकी है, तो ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, आप देख सकते हो। और ये हमने पीछे लटकन लगाए हैं, कपड़े के ही बना के लगाए थे मैंने लटकन। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, आप देख लीजिए। और ये इस तरह से कमर में पीछे की साइड बन जाएगी। तो आई होप आपको मेरा ये बेल्ट का तरीका समझ में आ गया हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और पीछे जो फ्रॉक है उसके गले में भी मैंने दो दो लटकन डाली है, सॉरी दो दो डोरियाँ डाली है। और ये देखिए इसका आगे का लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहें जितनी फिटिंग इससे ले सकते हैं कम या ज़्यादा, तो इसे पीछे बांधने में कुछ इस तरह का लुक आएगा। आप चाहें तो फैब्रिक के जो मैंने लटकन लगाए हैं इसकी जगह 4 भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने दो दो लगाए हैं, या फिर इसकी जगह आप रेडीमेड जो लटकन आते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए पहना हुआ कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा।